हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कुछ साथी पूछते हैं कि भाई बीएड स्पेशल हमें करनी है तो कहाँ से करें। तो ये एक यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो कि रोहतक हरियाणा की है, और यहाँ से रेगुलर बीएड स्पेशल कराई जाती है। अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपल प्रोसेस होने वाला है। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टस, ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन सबमिशन, रेमिटेंस ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस एज वेल एज काउंसलिंग फीस ऑफ RS 1000 1000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है, और 625 रुपये है SC BC और डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए फॉर हरियाणा ओनली। तो 15/7 से लेकर 7 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। अदर स्टेट के भी एलिजिबल हैं, मतलब अदर स्टेट के भी कोई साथी हैं और वो यहाँ से करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फॉर हरियाणा ओनली यहाँ पर मैंशन किया गया है। 625 रुपये फीस होगी SC BC और डिफरेंटली एबल, जो कि हरियाणा के लिए है बस। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए 10 अगस्त 2024 को आप 10 अगस्त 2024 तक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या ये जो एडमिशन होगा ये मेरिट पर होगा या फिर एंट्रेंस होगा। तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ अगर हम इसको पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहीं भी एंट्रेंस की बात नहीं की गई है, तो ये प्योरली जो है मेरिट पर होगा। अब मेरिट किस बेस पर लगेगी, ये फॉर्म फिल करते हुए हमारे सामने जो भी कॉलम आते हैं वो देखना पड़ेगा। ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर भी आपको मैं बता दूँ कि 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स को कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाएगा मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने में। रिपोर्टिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन इफ़ एनी बाय द कैंडिडेट एंड करेक्शन देयर फॉर टू बी इनकॉर्पोरेटेड डिस्क्रिप्शन में बी रिसीव्ड इन पर्सन ऑन द ईमेल आईडी इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। ये डिस्क्रिप्शन के बारे में आ जाता है। फिर डिस्प्ले फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर काउंसलिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसी इफ एनी 20 अगस्त। तो यहाँ पर काउंसलिंग की डेट जो आ जाएगी वो फर्स्ट काउंसलिंग आ जाएगी 23 अगस्त, सेकेंड आ जाएगी 31 अगस्त, और थर्ड आ जाएगी 9 सितंबर। तो इस तरह से एडमिशन होगा और डिस्प्ले आ जाएगा। डिस्प्ले ऑफ सीट्स और अलॉटमेंट की डेट मैंने बताई है। कैंडिडेट पर्सनल रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। तो जो जो साथी यहाँ से करना चाहते हैं फिज़िकल काउंसलिंग जो है वो कैसे कैसे, यहाँ चीज़ें मेंशन सारी कर दी है कि वो डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर थर्ड काउंसलिंग ऑन द वेबसाइट बाय द यूनिवर्सिटी, यानी कि थर्ड काउंसलिंग के बाद एक फिर फिजिकली काउंसलिंग का राउंड चलता है जिसमें आप अपने हिसाब से जाकर एडमिशन ले लेते हैं जहाँ जहाँ वैकेंट होती है। ये बिल्कुल SCERT जो नॉर्मल DEL-ED होती है उसकी तरह ये होने वाला है पूरा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप सिंपल जो है अगर यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो MDU रोहतक लिखेंगे, वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ही ये आपके सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं आपको और आगे बता देता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे थोड़ा नीचे तो एडमिशन शेड्यूल फॉर BEd MEd प्रोग्राम ये डाउनलोड करेंगे, तो जो मैंने अभी डाउनलोड करा था वही नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोबारा हम कर लेते हैं, आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एडमिशन है ये रेगुलर मोड पर है, आपको रेगुलर जाना होगा। अब यहाँ पर कुछ साथी कहेंगे कि सर हम रेगुलर नहीं जा, डिस्टेंस से पॉसिबल है, तो आप ये फॉर्म फिल करने के बाद इंस्टीट्यूट में बात करेंगे, जैसे भी बात बनती है वो वैसे हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, यही मुझे जानकारी देनी थी। अगर आप BEd स्पेशल करना चाहते हैं तो MDU रोहतक हरियाणा के फॉर्म ओपन हो जाएंगे 15 तारीख से। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल।